वेलकम एवरीवन। अभी हम लोग देखेंगे सिग्नलिंग पाथवे। तो क्या क्या चीज़ का अभी हम लोग सिग्नलिंग पाथवे देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे स्वीट, बिटर, उमामी, जो टेस्ट होता है उसका सिग्नलिंग पाथवे देखेंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसडक्शन ऑफ स्वीट, बिटर एंड उमामी टेस्ट सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था स्ट्रक्चर ऑफ टंग के बारे में, देख लिया था टेस्ट ऑफ बर्ड्स के बारे में, देख लिया था टेस्ट सेल्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, तो अभी देखो कैसे करके सिग्नलिंग पाथवे होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि स्वीट टेस्ट हो या बिटर टेस्ट हो या उमामी टेस्ट हो, ठीक है ना, याद रखिएगा ये तीनों टेस्ट के लिए जो पाथवे फॉलो होता है सिग्नलिंग पाथवे, वो होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये मैं क्या बनाया हूँ, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे टेस्ट सेल है, या फिर हम लोग बोलेंगे टेस्ट रिसेप्टर सेल। ठीक है, और ये टेस्ट रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे टेस्ट बर्ड में प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो मैं एक टेस्ट सेल को या टेस्ट रिसेप्टर सेल को मैं मैग्नीफाई करके बनाया हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया टेस्ट रिसेप्टर सेल, या हम लोग बोलेंगे टेस्ट सेल हो गया। और टेस्ट सेल के जस्ट हम लोग बोलेंगे नीचे क्या था, बिलो क्या था, हम लोग बोलेंगे डेंड्राइटिक प्रोसेस था, किसका, हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक नर्व का। तो ये क्या चीज़ है, डेंड्राइटिक प्रोसेस है। ठीक है, जो लीड कर रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक नर्व में, जो कि क्रैनियल नर्व का क्या है एक पार्ट है। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक नर्व या क्रैनियल नर्व अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ब्रेन में गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स से जाकर जुड़ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, हम लोगों को सेंसेशन ऑफ टेस्ट होता है। ठीक है ना, देखो कैसे होता है। ठीक है, हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं स्वीट, बिटर और उमामी टेस्ट हमेशा फॉलो करेगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे को। ठीक है ना, तो देखो वही मैंने यहाँ पर बनाया है। ये क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या चीज़ का, हम लोग बोलेंगे टेस्ट सेल का या टेस्ट रिसेप्टर का। ठीक है, और देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट है, जिसमें जी प्रोटीन भी है, और पीएलसी का मतलब हो गया फोस्फोलाइपेज सी। देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ फोस्फोलाइपेज सी, इसका मतलब ये तीनों कौन सा पाथवे को फॉलो करेगा, हम लोग बोलेंगे GPCR PLC सिग्नलिंग पाथवे को फॉलो करेगा, तब जाके क्या होगा, हम लोगों को टेस्ट का सेंसेशन होगा। और ये जो पाथवे है GPCR PLC का जो कॉमन पाथवे है, वो मैंने वीडियो में बनाया था, आप लोग देख सकते हो वो वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। ठीक है ना, तो देखो अभी होता क्या, अभी जैसे कि मान लो कि हम लोग बोलेंगे कोई स्वीट है। ठीक है ना, ये मान लो कि कोई स्वीट टेस्ट है। ठीक है ना, ये वाला, या कोई स्वीट केमिकल है। ठीक है ना, मान लो शुगर है। ठीक है, मान लो शुगर है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो वो ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे वो ग्लूकोज फूड में प्रेजेंट है। ठीक है, और वो फूड हम लोग बोलेंगे कहाँ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होता है, टंग के चारों तरफ क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे स्लाइवा रहता है। ठीक है ना, तो वो स्लाइवा में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, ये क्या चीज़ होगी, ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे स्लाइवा। ठीक है, तो स्लाइवा में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ये शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना। ठीक है, जो स्वीट सब्सटेंस है, और बिटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे उमामी मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्लाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, स्वीट मॉलिक्यूल, या हम लोग बोलेंगे बिटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या हम लोग बोलेंगे उमामी मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, प्रेजेंट है स्लाइवा में। ठीक है, और ये कहाँ से आया था, हम लोग बोलेंगे फूड से आया। ठीक है ना, तो अब ये स्लाइवा में गया, तो स्लाइवा में जाने के बाद हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे को सेंस करेगा क्या चीज़, ये टेस्ट रिसेप्टर सेल या टेस्ट सेल। तो टेस्ट रिसेप्टर सेल के पास ऐसा क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे टेस्ट रिसेप्टर सेल के पास हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे सेंसरी हेयर्स होगा, या हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक हेयर्स होगा। ठीक है, जिसको हम लोग GPCR बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इस ये जो मतलब केमिकल है स्वीट, बिटर एंड उमामी जो मॉलिक्यूल है, ये किससे बाइंड करेगा, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन होगा। ठीक है, इनिशियली क्या था, ये जो जी प्रोटीन था वो किससे जुड़ा हुआ था, GDP से जुड़ा हुआ था ना, लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे स्वीट, बिटर या उमामी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा GPCR से, तो क्या होगा, GDP किस में चेंज हो जाएगा, GTP में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन किसको एक्टिव करेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसके बगल में जो प्रेजेंट है फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम, देखो फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव करेगा।
जैसे ही हम लोग बोलेंगे फोस्फोलाइपेज सी एक्टिव हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे ही फोस्फोलाइपेज सी एक्टिव हो जाएगा तो अब ये फोस्फोलाइपेज सी का काम क्या चीज़ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है जिसको मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PIP2। ये PIP2 क्या है, फॉस्फाटिडाइल आइनोसिटोल 4,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये मेम्ब्रेन लिपिड है, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो ये PLC क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन लिपिड को दो कॉम्पोनेंट में तोड़ देगा। ठीक है, दो कंपोनेंट में जैसे ही ब्रेक करेगा तो देखो दो कंपोनेंट क्या बनेगा PIP2 से, एक बनेगा IP3 जिसको हम लोग बोलते हैं आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जो साइटोसोल में आ जाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे DHE-DAG। DAG का मतलब हो गया डाई एसाइल ग्लिसरॉल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रह जाएगा। ठीक है, याद रखना जो IP3 है वो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये इसीलिए आसानी से क्या हो सकता है साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, और जो डैग मॉलिक्यूल है ये लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये लिपिड में क्या होगा हम लोग बोलेंगे फ्लोट करेगा। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ पर ये IP3 क्या करेगा और ये डैग क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो IP3 होता है ना, ये IP3 का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। देखो ध्यान से कहाँ पर हम लोग बोलेंगे, कहाँ पर ये जो टेस्ट रिसेप्टर सेल है उसके साइटोप्लाज्म में या उसके साइटोसोल में क्या प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, देखो ये वाला। ठीक है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑलरेडी स्टोर्ड है, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टोर्ड कैल्शियम। ठीक है ना, तो होगा क्या, देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट है, बहुत सारा कैल्शियम आयन चैनल प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैं केवल दो को दिखा रहा हूँ, और ये कैल्शियम आयन चैनल में देखिए तुम लोग ध्यान से देखो तो क्या है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर लगा हुआ है। देखो ये रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे IP3 रिसेप्टर। ठीक है, मतलब ये रिसेप्टर किससे जुड़ेगा, IP3 से, या आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट से जुड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये IP3 अपने रिसेप्टर से जुड़ा, ठीक है, देखो यहाँ पर ये IP3 अपने रिसेप्टर से जुड़ा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो कैल्शियम आयन चैनल था जो कि क्लोज था वो क्या हो जाएगा, अब ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ओपन होने के बाद जो स्टोर्ड जो कैल्शियम था वो कैल्शियम कहाँ आने लगेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में आने लगेगा। ठीक है, तब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आएगा तो कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है देखो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो ये कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा ये होगा कि ये टेस्ट रिसेप्टर सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, देखो ध्यान से क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे कुछ रिसाइकल्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देखो ये सब क्या है, हम लोग बोलेंगे सब रिसाइकल्स है, देखो ये सब क्या है, रिसाइकल्स है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक रिसाइकल। और ये सिनेप्टिक रिसाइकल के अंदर में देखो क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ये ATP प्रेजेंट है। और यहाँ पर ATP को हम लोग क्या बोलेंगे, ATP को हम लोग बोलेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स, याद रखना क्या बोलेंगे, ATP को हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिनेप्टिक रिसाइकल कंटेन्स क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे न्यूमरस न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज़, ATP। ठीक है, तो ये सब क्या न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है ना, तो अब ये कैल्शियम क्या करेगा, हमेशा याद रखना जब भी कभी कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ेगा, ठीक है, तो ये कैल्शियम क्या करता है, ये जो सिनेप्टिक रिसाइकल है ना, ये सिनेप्टिक रिसाइकल को हम लोग बोलेंगे टेस्ट रिसेप्टर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कराएगा। कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूजन। ठीक है, जिसको स्नेयर हाइपोथेसिस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे ये मेम्ब्रेन इसके मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा, किसके मेम्ब्रेन से, टेस्ट रिसेप्टर सेल के मेम्ब्रेन से, तो अंदर का जो न्यूरो ट्रांसमीटर है क्या चीज़ है, वो ATP ही है ना, तो वो ATP हम लोग बोलेंगे रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज कहाँ पर होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, ये वाला क्या चीज़ है, डेंड्राइट्स है, याद करो ये क्या चीज़ है, डेंड्राइट्स है, जो ईच एंड एवरी टेस्ट रिसेप्टर सेल के नीचे क्या था, प्रेजेंट था डेंड्राइट्स, और वो डेंड्राइट्स हम लोग बोलेंगे लीड कर रहा था किस में, गैस्ट्रिटरी नर्व में, और गैस्ट्रिटरी नर्व या क्रेनियल नर्व हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली कहाँ पर जा रहा था, ब्रेन के गैस्ट्रिटरी सेंटर पे, या फिर हम लोग बोलेंगे ब्रेन का गैस्ट्रिटरी कॉर्टेक्स पे। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट है देखो ध्यान से, उस डेंड्राइट में भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ लगा हुआ है, रिसेप्टर्स लगा हुआ है, इस रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। ठीक है, ये सब ठीक है ना, तो अब क्या होगा ध्यान से देखो, अब ये होगा कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, ठीक है, ये जो ATP जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो न्यूरो ट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, देखो जुड़ रहा है। ठीक है ना, जैसे ही जुड़ेगा तब हम लोग बोलेंगे ये जो मतलब डेंड्राइट है ना, इसमें क्या डेवलप होगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, और वो एक्शन पोटेंशियल फिर कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, गैस्ट्रिटरी नर्व से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन के गैस्ट्रिटरी सेंटर पे। तब जाके हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को क्या हुआ,
हम लोग बोलेंगे सेंसेशन ऑफ टेस्ट हुआ, क्या क्या चीज़ का, स्वीट का, बिटर का, या फिर हम लोग बोलेंगे उमामी का, ठीक है। ये टेस्ट का क्या हुआ, सेंसेशन हुआ। तो ऐसे करके देखो ये सिग्नलिंग पाथवे है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन है ये प्रोटीन काइनेज सी क्या करेगा। तो देखो प्रोटीन काइनेज सी क्या करेगा, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखो क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन चैनल भी प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटीन काइनेज सी क्या करेगा, तो देखो इससे पहले ये देखो ये जो डैग था ना, डैग क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिव करेगा, ठीक है ना। प्रोटीन काइनेज सी जैसे ही एक्टिव होगा तो ये काइनेज ही क्या करेगा, कैल्शियम आयन चैनल जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, किसके, टेस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, उसमें क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, क्योंकि काइनेज है, ठीक है। काइनेज का काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन, किसमें, कैल्शियम आयन चैनल में। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन करेगा तो ये जो कैल्शियम आयन चैनल है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ये कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम आयन ओपन होगा तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का क्या होने लगेगा, सेल के अंदर इन्फ्लक्स होने लगेगा। इन्फ्लक्स मतलब कैल्शियम बाहर से कहाँ आने लगेगा, अंदर आने लगेगा। और जैसे जैसे कैल्शियम अंदर आएगा तो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा सेल में। तो ऐसे भी कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और ऐसे भी कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो इंक्रीज लेवल ऑफ जो कैल्शियम है वो क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो सिनेप्टिक रिसाइकल है इसको फ्यूज कराएगा, किसके साथ, मेम्ब्रेन ऑफ द क्या चीज, टेस्ट रिसेप्टर सेल के साथ। जिसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जो ATP के फॉर्म में है वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा और वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा। कौन सा रिसेप्टर, हम लोग बोलेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स ऑफ द क्या चीज, गैस्टेटरी नर्व। और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे सिग्नल ट्रांसमिट होगा और अल्टीमेटली वो सिग्नल कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा। तब हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को क्या हुआ, सेंसेशन हुआ टेस्ट का, क्या क्या टेस्ट का, तो हम लोग बोलेंगे स्वीट का, बिटर का, या हम लोग बोलेंगे उमामी का, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है, तो ये पाथवे हम लोग बोलेंगे किसके लिए है, स्वीट, बिटर एंड उमामी। ऐसा बोला जाता है कि ये जो सब्सटेंस होता है ना, ये सब्सटेंस इस पाथवे को भी फॉलो करता है और एक हम लोग बोलेंगे पाथवे को फॉलो करता है, वो भी पाथवे हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे। तो वो पाथवे क्या होता है, तो देखो वो पाथवे ये होता है ना कि देखो मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर इसके मेम्ब्रेन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे GPCR प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये GPCR, ये क्या चीज़ है, GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और इसके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जी प्रोटीन है, इनिशियली ये जी प्रोटीन किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, GDP के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या रहेगा, और एक एंजाइम रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एडीनाइलेट साइक्लेज, क्या बोलेंगे, एडीनाइलेट साइक्लेज। इस चीज़ को याद रखना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एडीनाइलेट, या एडीनाइलाइल भी बोलते हैं, एडीनाइलेट साइक्लेज, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो स्वीट, जो ये था स्वीट या बिटर या उमामी, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स था, ये क्या करेगा, GPCR से जुड़ेगा, ठीक है। GPCR से जब ये जुड़ेगा तब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, GPCR रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। जी प्रोटीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। ये जो GDP था वो किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे GTP में चेंज हो जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे कि जी प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे किसको एक्टिव करेगा, इसके बगल वाले एंजाइम जिसको बोलेंगे एडीनाइलेट साइक्लेज। एडीनाइलेट साइक्लेज जैसे एक्टिव होगा तो इसमें क्या डेवलप होगा, एक्टिव साइट डेवलप होगा, क्योंकि ये एंजाइम है। जैसे ही अब एडीनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हो गया, तब अब ये एडीनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, ATP को एज ए सब्सट्रेट यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बनाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक AMP, जो सेकेंड मैसेंजर का काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब ये साइक्लिक AMP क्या करेगा, देखो ध्यान से, साइक्लिक AMP क्या करेगा ना, इसके मेम्ब्रेन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक चैनल रहता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पोटासियम आयन चैनल, ठीक है। ये साइक्लिक AMP क्या करेगा, ये जो चैनल है ना, इस चैनल को हम लोग बोलेंगे इनहिबिट करेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग बोलेंगे साइक्लिक AMP पोटासियम आयन चैनल को इनहिबिट किया, तो हम लोग बोलेंगे पोटासियम का जो इफ्लक्स है वो क्या होगा, नहीं होगा, पोटासियम बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेल के अंदर इंक्रीज करने लगेगा। जैसे जैसे पोटासियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज करेगा तो सेल का जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है ना वो चेंज हो जाएगा, अंदर क्या होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने लगेगा, क्योंकि पोटासियम बाहर नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है, जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है सेल का, उसके कारण क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि इसके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, देखो इसके मेम्ब्रेन में और एक चैनल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल,
ठीक है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कारण हम लोग बोलेंगे कि आज कौन एक्टिव होगा, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल एक्टिव होगा। क्या होगा हम लोग बोलेंगे, कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ क्या होगा, कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। मतलब कैल्शियम कहाँ से कहाँ आएगा, बाहर से अंदर आएगा, ठीक है, अंदर आया, अंदर क्या होगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो कैल्शियम क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, फिर यही काम को करेगा, ये सिनेप्टिक विसाइकल को क्या कराएगा, फ्यूज कराएगा, ठीक है। सिनेप्टिक विसाइकल कंटेनिंग क्या चीज, न्यूरो ट्रांसमीटर इस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब वो एटीपी या न्यूरो ट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, सिग्नल कहाँ पहुँचेगा, गैस्टेटरी नर्व में, गैस्टेटरी नर्व से होते हुए सिग्नल कहाँ पहुँचेगा, हम लोग बोलेंगे ब्रेन के गैस्टेटरी कॉर्टेक्स में, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे गैस्टेटरी सेंटर, तब जाके हम लोग को सेंसेशन हुआ क्या चीज़ का, स्वीट का, बिटर का या उमामी टेस्ट का, ठीक है। तो ये है हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे किसका किसका, स्वीट का, बिटर का एंड उमामी का। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो पॉइजन डिटेक्टर जो रिसेप्टर होता है ना, हम लोग बोलेंगे कि मान लो कि हम लोग कभी कोई पॉइजन लेते हैं, ठीक है ना, तो कैसे पता चलेगा कि हम लोग पॉइजन लिए हैं। तो याद रखिएगा पॉइजन डिटेक्टर जो यहाँ पर रिसेप्टर होता है वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये जो बिटर जो रिसेप्टर होता है ना, जो कि बिटरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वही रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में हेल्प करता है, पॉइजन डिटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जी हम लोग बोलेंगे सिग्नल ट्रांसक्शन पाथवे ऑफ स्वीट, बिटर एंड उमामी टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये सॉल्टी एंड जो ये था सॉर जो टेस्ट था उसका सिग्नलिंग पाथवे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।